हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पूनम सिंह रेसिपीज। तो मैं पूनम आज जोरों की भूख और जल्दी वाली रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम बनाएंगे मशरूम राइस। तो देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो चलिए हम इसकी पूरी तैयारी करते हैं फटाफट और लजीज व्यंजन का लाभ उठाते हैं फ्रेंड्स। तो हम ले लिए हैं शिमला मिर्च है एक छोटा सा, मशरूम 100 ग्राम है, और एक प्याज और आधा गाजर हम ले लिए हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा क्रश कर लिए हैं, 5-6 नट्स लहसुन का है, और 4 हरी मिर्च है। सबको हम काट कर तैयार कर लिए हैं। इधर हम गैस पर गर्म कर लिए हैं कुकर, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर गर्म करने के बाद हम उसमें डाले हैं 1 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल, 1 सर्विंग स्पून हम डाल दिए हैं घी, और तड़का में हम ले लिए हैं जीरा 1 चम्मच, 10-15 दाना काली मिर्च का, 2 हरी इलायची, और एक ले लिए हम दालचीनी का टुकड़ा। इधर हम सबसे पहले डाल देंगे अदरक क्रश किया हुआ, फिर लहसुन डालेंगे, फिर हरी मिर्च को डालेंगे। सबको डालने के बाद थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद तब हम इसमें डालेंगे सारी जो कट की हुई है सब्जियां, सबको बारी बारी से डालेंगे। हमें तड़का को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, लाइट ही रखना है। तो सारी सब्जियों को हम एक साथ ही डालकर सॉटे करेंगे। इसको भी हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। फ्राई ज़्यादा करने से जो इसमें विटामिन की मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो थोड़ा कम हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें मशरूम। मशरूम राइस बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा कर देखिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। आज तक हम लोगों ने खाया है इसका, तरह तरह के सब्जियों की रेसिपी हम लोग बना कर खाए हैं। आज हम इसको राइस के साथ लेकर आए हैं फ्रेंड। तो इसमें हम डाल देंगे फ्रोजन मटर, इसको हम गर्म पानी से धो लिए हैं। थोड़ा सा उसमें अलग तरह का ये रहता है टेस्ट, तो उसको हम गर्म पानी से धो देते हैं तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है मटर का। सारी सब्जियों को डालकर हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा डालेंगे हम हल्दी, हल्दी ज़्यादा हमको येलो नहीं करना है। हल्दी इतना ही डालें कि चावल भी थोड़ा सा कलरफुल लगे और सब्जियों का निखार भी आए चावल में। इधर हम ले लिए हैं इंडिया गेट बासमती राइस, इसको धोकर हम पहले ही रख दिए थे ताकि इसका पानी निकल जाए, जो फ्राई करने में सब्जियों के साथ तली में चिपके नहीं फ्रेंड्स। तो जब भी आपको फ्राइड राइस या कुछ ऐसी चावल की आइटम बनानी हो तो आप पहले चावल को धो लिया करें और उसको पानी निथरने के लिए रख दें। इधर हम स्वाद के लिए नमक डाल दिए हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसको भी हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। और हाँ, एक टिप्स ये है कि आप जब भी डालें फ्राइड राइस में, पानी आप उबाल कर रख लें पहले से। इससे है कि चावल खिले खिले होते हैं और प्रेशर भी कुकर में जल्दी पकड़ लेता है, चावल चिपचिपा नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, और विसिल भी जल्दी बच जाती है प्रेशर कुकर की। तो इस तरह हम अगर हम ले लिए हैं माप के लिए, 1 बोल हमारा चावल है तो 2 बोल हम ले लेंगे गर्म पानी। इसी में हम डाल देंगे 1 टमाटर काट करके, आप चाहे तो इसका बीज हटा सकते हैं, बीज हटा दिए हैं। सबको मिलाकर और हम लगा देंगे ढक्कन इसमें, और हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तेज़ गैस पर ही 2 विसिल लगाना है, क्योंकि पानी भी गर्म है और चावल ये पतला वाला है जब बहुत जल्दी पक जाता है। तो अब लगने वाली है विसिल, हम इंतज़ार में है कि कब विसिल लगे और गैस बंद करें। तो 2 विसिल जल्दी जल्दी हो गया फ्रेंड्स, गैस को बंद कर दिए। इधर हम मशरूम राइस में स्वाद बढ़ाने के लिए बनाएंगे वेज कर्ड रायता। तो हम ले लिए हैं थोड़ा सा चीनी, उसके बाद ले लिए हैं फ्रेश दही। चीनी हम 1 चम्मच लेंगे छोटे वाले से। इधर सादा नमक, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर हम ले लिए हैं, जो रायता के स्वाद में 4 चांद लगाता है फ्रेंड। सबको हम विस्कर की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि दही एक सार मिल जाए, इसमें गुलटी या लम्स जैसा कुछ नहीं दिखे, लेन दिखे। इधर चाट मसाला डालें या रोस्टेड ये डालें आप क्यूमिन सीड्स, बहुत स्वादिष्ट लगता है इसमें। सबको मिलाकर तब हम इसमें डालेंगे सब्जियां जो कटे हैं,
तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, हाफ पीस टमाटर काट लिए हैं, हाफ ही है अनियन, और गाजर है 1/4 पीस, इसको ग्रेट कर लिए हैं, और हाफ पीस हम कुकुम्बर को भी ग्रेट कर लिए हैं। सबको हम मिला देंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रायता, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इस सबको भी हम विस्कर की सहायता से मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता ही है फ्रेंड्स। ऊपर से हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और हरी मिर्च काट कर डाल देंगे, थोड़ा टेम्पटिंग लुक के लिए भी और स्वादिष्ट के होने के लिए भी। और इधर देखिए, मशरूम राइस मेरा पककर तैयार है, बिल्कुल खिला खिला देखने में ही लग रहा है। और चारों ओर से हल्के हाथों से इसे चलाकर हम मिला लेंगे, ताकि सारी सब्जियां और चावल एक समान मिल जाए कि हमें प्लेटिंग करने में आसानी हो। तो देखिए, कहीं भी चिपचिपा नहीं है, तो आप लोग गर्म पानी ही ज़रूर डालें जब भी फ्राइड राइस बनाएं। तो प्लेट तैयार है प्लेटिंग के लिए फ्रेंड्स। तो इसमें हम डालेंगे मशरूम राइस, देखिए क्या अलग दाना खिला खिला लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और तब हमको कमेंट में बताएंगे कि कैसी लगी ये रेसिपी आप लोग को। तो रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स तो ज़रूर शेयर कीजिए अपनों में, परिवार में, और हाँ बेल आइकन ऑन रखिए अपना, ताकि जो मैं रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और स्वाद ले आप इस लजीज व्यंजन का। तो फिर मिलेंगे हम एक अलग और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय माय रेसिपी, बाय बाय एवरीवन, बाय।